किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारियों ने इकट्ठा होकर थाने का घेराव किया और अपना विरोध दर्ज कराया। किसानों के इस प्रदर्शन से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और अनुपालन में किसानों को समझाने के लिए डीएम, एडीएम प्रशासन तथा सिविल लाइंस पहुंचे। किसानों ने जमीन पर बैठकर थाने का घेराव करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। गुस्साए किसानों ने मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस का घेराव करते हुए विरोध दर्ज कराया है। किसानों ने अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि कोरोना के चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की सीधी सहायता किसानों को नहीं दी गई। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते वैसे ही किसान परेशान हैं और ऊपर से पुलिस किसानों का उत्पीड़न कर रही है, जिसकी वजह से किसान सड़क पर उतरने को मजबूर है। किसानों ने कहा कि गन्ना खरीद के 14 दिन के अंदर उसका भुगतान कराया जाए, किसानों के सामान्य योजना के स्वीकृत नलकूप कनेक्शन का सामान दिया जाए। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि का 50% भी भुगतान किसानों को नहीं मिला है, जिसकी वजह से किसानों को विभागीय दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाए। क्या नाम है सर आपका? ऋषिपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन वरिष्ठ नेता। ये हमारा पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन राष्ट्रीय आह्वान पर हुआ है और इसमें विशेष मुख्य मामला है गन्ना भुगतान, वो भी ब्याज सहित 14 दिन के अंदर अन्यथा ब्याज। तो आज हम यहाँ बिल्कुल जो भी चीनी मिल है उस चीनी मिल के क्षेत्र में नज़दीक जो भी थाना आता है, अगवानपुर चीनी मिल का सिविल लाइन थाना है, तो इसलिए आज सिविल लाइन थाने की धरती पर हमने आज यह ज्ञापन दिया राष्ट्रीय आह्वान पर। मुख्य समस्या हमारी गन्ना भुगतान, वो भी ब्याज सहित हो। नंबर दो, बिजली की बढ़ी दरें वापस हों। नंबर तीन, बिजली पर जो चार्ज लगा रखा है वो बिल्कुल समय आगे बढ़ाया जाए उसका। हाँ, डीजल और पेट्रोल की जो वृद्धि है वो वापस ली जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है। ऐसे ही तमाम महंगाई चरम सीमा पर है। जब हिंदुस्तान डिजिटल है तो गन्ने का भुगतान डिजिटल क्यों नहीं? अगर पर्ची निकल सकती है, दूसरा बटन दबाने से गन्ने का भुगतान क्यों नहीं हो सकता? हम देश के प्रधानमंत्री को बता देना चाहते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में 1 लाख कर्ज माफी किसानी का वादा किया था, उसका आज तक पालन नहीं हुआ है। और जो किसान का वो मुआवजा है, किसान को जो दे रखा है सरकार ने, उसका वो 2000 रुपये प्रति किसान को नहीं मिल रहा। अगर जिन मेंबरों के नाम जमीन है उन्हें चाहे घर परिवार में कई मेंबर है, सबको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। एडीएमई को हमने प्रशासन को ज्ञापन इसलिए दिया है कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है गन्ना भुगतान कराने की। यहाँ एक एक महीने तक किसानों का भुगतान नहीं हो रहा और अभी गन्ना विभाग की जो घोर लापरवाही उजागर हुई है, जिसमें किसान से मांगा जा रहा है फर्द, खसरा, आधार कार्ड, कहाँ से लाए किसान वो? इन्होंने कहा कि वो नहीं ली जाएगी। अरे विभाग अपने आराम से कंप्यूटर से मंगवावे, आज पूरा इंटरनेट जुड़ा हुआ है। हमने पिछले वर्ष जो कागज इकट्ठा करके विभाग को दिए हैं वो करोड़ रुपए के गन्ना विभाग ने कागज बेच डाले और आज फिर वही काम हो रहा है। अब कोरोना के चलते हुए, महामारी के चलते हुए हम कह रहे हैं किसान घर से कम निकलो, महामारी का सम्मान करो, इसमें जान है तो जहान है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना है। जय जवान जय किसान, धन्यवाद आप सबके लिए। यह हम 12 बजे आ गए और जो समय हो रहा जाने का वो देख लो आप, 2 बज रहे हैं। थाने भी बैठे हैं लगातार, हाँ थाने के अंदर ही। जय जवान जय किसान, 2 घंटे हो गए, पूरे 2 घंटे। समस्या थी गन्ना किसानों की, गन्ना मूल भुगतान को लेकर कृषकों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, इनका राष्ट्रीय आह्वान था। जनपद में हमारे अभी तक हम लोगों ने जितना गन्ना परचेज हुआ था उसका 75% का भुगतान हमने करा दिया है और हम लोगों का प्रयास है कि सितंबर महीने तक 100% हम गन्ना मूल का भुगतान करा देंगे। और स्थिति हमारी अच्छी है, फिर भी किसानों की मांग जेन्युइन है और इनकी मांग को विचार करते हुए जल्दी से जल्दी मिलर्स पर दबाव बना करके गन्ना मूल भुगतान कराया जाएगा। अब मांग विशेष तौर से गन्ना मूल भुगतान की है, ब्याज की भी मांग है इनकी कि हमें ब्याज दिया जाए, तो ब्याज की मांग शासन स्तर पर ही इनकी निस्तारित हो सकती है। हम ब्याज के संबंध में शासन को भी पत्राचार करेंगे, शासन से यदि अनुमति मिलती है तो ब्याज की भी इनकी भुगतान किया जा सकता है।